श्री इंदुराज जी, पर्सन नंबर 4242 जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो कै भाग पर्सन है उसका आंसर हाँ श्रीमान, पर्सन में उल्लेखित गांव निचले इलाकों में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से इन गांव में भूमिगत जल का स्तर काफी ऊंचा है। खै भाग का आंसर है वर्षा ऋतु के दौरान इन गांव में ग्राम पंचायतों में सिंचाई विभाग की मदद से डीजल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, ट्रैक्टर पंप सेट का उपयोग करके नियमित आधार पर जल निकासी का कार्य करवाया जाता है। विकास और पंचायत विभाग द्वारा गांव मनवासा, रिढाणा, अलवाना, सामडी, मुडलाना और पिचपड़ी में एक एक तालाब खोदकर गाद तथा मिट्टी निकालकर बारिश के पानी को संग्रहित करने की क्षमता बढ़ाई गई है। गांव बरोदा मोर के एक तालाब की टेंडर कर प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत इसी तरह शोधन किया जाएगा। गांव रूखी में आबादी क्षेत्र के अंतरिक्त पानी निकालने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है। अध्यक्ष जी, मैंने कई बार विधानसभा में गंदे पानी की निकासी की आवाज उठाई। कई बार मंत्री जी ने पहले भी कहा था जब बजट सत्र था कि हम काम कराएंगे। मैं मंत्री जी आपको बताना चाहूंगा कि गंदे पानी निकासी के लिए आपने लगभग 84 तालाबों के नोटिफिकेशन करागा, जिसका लेटर नंबर 9364 है। डेट भी तारीख बता दूं आपने 24/11/2021, लेकिन किसी भी तालाब पर कोई भी गांव में कोई काम नहीं हुआ। और जिन तालाबों का आपने जिक्र कराया, चाहे वो रिनाना, चाहे बरोदा की बात की, चाहे रुखी मुड़लाना की बात की, टेंडर तो जरूर हो गया, उद्घाटन भी हुआ अध्यक्ष जी, पत्थर भी ला गया जिसमें मंत्री जी का भी नाम था और मेरा नाम भी था, लेकिन पत्थर पत्थर ला गया, उद्घाटन होया, उस पर एक डली माटी कहीं लिखड़ी हो तो मंत्री जी माँ जिम्मेवारी से सदन के बीच में कह रहा हूँ, कोई काम नहीं हुआ। 84 तालाबों की फिजिबिलिटी मैप ली गई, उद्घाटन भी हो गए, कोई काम निकासी गंदा पानी निकासी के लिए नहीं हुआ। और हर गांव में बड़ी दिक्कत है, जल भराव के कारण बहुत सारी गलियों में पानी भर जाता है। मैं फोटो का तो फोटो दिखा दूँ मंत्री जी, बहुत बुरा हाल है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ अध्यक्ष जी के माध्यम से कि आप या तो अधिकारियों की बात मान लो या फिर मेरी मान लो और उस पर काम करने की नीयत रखो। खाली विधानसभा भरोसा देने की बात ना करो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं सत्य है, इस बात के लिए कड़वा सत्य है ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा, यहाँ पर हमारा जो वाटर लेवल है जमीन का जी, वो ऊपर है और जो कार्य है ये सही कह रहे हैं, उनको करने में डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। लेकिन उसके लिए भी हमारे जो विभाग है, हमारा इरिगेशन विभाग है, इसके द्वारा भी कार्य करवाए जा रहे हैं सख्त बोर लगाकर, जिससे चौबा लेवल डाउन जाएगा और जो खुदाई है, जो हमने डिपार्टमेंट ने जिन जिन तालाबों को खोदने के लिए टेंडर जारी किए हैं, उनको आने वाले कम समय में, हम आने वाले अप्रैल मई तक कोशिश करेंगे, बारिश से पहले पहले उनको कंप्लीट करा के देने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जो कबूज तो लो जी, मंत्री जी ने अप्रैल मई की कही है, बड़ा गांव है बरोदा, 14 गांव तालाबों की फिजिबिलिटी ली गई जी, लेकिन उस पर कोई काम आज तक हुआ नहीं, तो आप अप्रैल में कित कराओगे बताओ आप। चलो, उन्होंने आश्वासन दे दिया। नहीं देखिएगा, मैंने पहले बताया यहाँ आपका वाटर लेवल ऊपर, आपको ही पता इस बात का, वहाँ पर एक पानी भराव की समस्या है बारिश में, और एक समस्या है वाटर लेवल ऊपर होने की, दो समस्याएं हैं। पानी भराव की तो हमने पंचायतों को बिल्कुल अलाउ कर रखे है, उनको फिट चार्ज, जब भी आपने पिछली बार भी जब बारिश का मौसम आया तब पंचायतों ने अपने लेवल पर पंप लगाकर इरिगेशन की सपोर्ट से उन गांव को खाली करवाया गया। और आज उसकी खुदाई की जो बात है, वो अब जैसे जैसे पानी जो लेवल नीचे जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि इसको खुदवा के और आपकी ये जो समस्या इसको दूर कराएं। मंत्री जी, बगैर बरसात भी पानी है गलियों में, बगैर बरसात भी, आपको निकासी नहीं है उन गाँव की, गंदे पानी की
चौवा ऊपर आने की वजह से आपको बताया, जब हम उसकी डिगिंग करवाते हैं, खुदाई करवाते हैं, चौवा दो पांच चार गांव का पानी आ जाता है, पांच चार गांव में मालूम है प्रति दिन डिगिंग हुआ है, ये समस्या है, सभी गांव में चौवा ऊपर नहीं है। लेकिन इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने इसका प्रपोजल बनाया है, इरीगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, वहां भी जो सब बोरवेल है उसका काफी बड़ा बजट इसके लिए सरकार ने दिया है, वो उसके इससे कनेक्ट है, वो पानी एक तो हमारा ग्रे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो गांव की नालियों से गांव के बहता हुआ था, वो भी हमें अवेयर भी करना होगा, जो बोरवेल लगे हुए हैं वो पानी व्यर्थ ना बहे, वेस्ट वाटर ज्यादा ना जाए, थोड़ा सा आप लोग भी वहाँ चुने हुए लोगों मंत्री जी आपकी बात पर भरोसा मानो, अप्रैल में ही जरूर करा दो, कल हो जाएगा, आश्वासन देने लग रहे हैं मार्च अप्रैल में ये काम 2024 तक कोशिश करते हैं, करवाने काम करेंगे।